नमस्कार, समाचार नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में भाजपा युवा मोर्चा की अगुवाई में शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की जनसंख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैसे भी युवा देश का भविष्य है और किसी भी पार्टी रीढ़ की हड्डी युवा को ही माना जाता है। ऐसे कार्यक्रम आने वाले चुनावों में कितना असर दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। युवाओं का जोश तो देखने लायक था, गिरते हुए भी पानी में भी। जो गांव से और शहर के जो हमने कार्यकर्ता स्पेशल 11 का जो हमने गठन किया है, उसमें आए थे ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग, वो पूरे जोश में थे, पूरे उत्साह में थे और बहुत ही जबरदस्त नारेबाजी के बीच, बहुत ही खुशनुमा माहौल में, पूरे उत्साह के साथ एक लक्ष्य को पाने की ललक, जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा हमारा जो युवा संकल्प अभियान है उसके तहत ही आज हमारा कार्यक्रम हुआ। और उसमें लोगों ने संकल्प भी लिया है और जिस हिसाब से उनके मनोभाव थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आज शहर की जनता ने भी देखा है और आपके माध्यम से हमारे दर्शक लोग भी देखेंगे। हर युवा की, युवा माने पार्टी की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, तो युवा मोर्चा की आगे की चुनाव आने पर क्या रणनीतियां हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी युवा इकाई है और इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे परम मित्र अभिलाष पांडे जी, वो हमेशा अपने भाषणों में कई जगह कई बार बोलते हैं कि जो युवा मोर्चे का जो भूमिका है, तो पार्टी का जो झंडे में जिस प्रकार से डंडे की भूमिका होती है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे की भूमिका भी डंडे के रूप में, आधार स्तंभ के रूप में है और इस भूमिका को युवा मोर्चा बखूबी आने वाले समय में निभाएगा। नरसिंहपुर से राजन भैयू मिश्रा की रिपोर्ट।